Hello, welcome back children. My today's topic is subtraction. So what do we call the sign of subtraction? We call it minus. So do you know children, this minus sign looks and works like a knife? And as we know, a knife helps us to cut down or to remove anything. And in subtraction also, this minus sign cut down or remove the numbers. So chalo, हम हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो पहला है 4 माइनस 0. सो फ्रॉम 4 वी हैव टू रिमूव 0 एंड 0 मीन्स वी नो नथिंग. सो फ्रॉम 4 वी विल रिमूव नथिंग. सो हाउ मच लेफ्ट? 4 लेफ्ट. सो 4 विल बी द आंसर. सो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि व्हेन एनी नंबर इज सब्सट्रैक्टेड बाय 0 द नंबर रिमेन्स सेम्स, नथिंग चेंजेस. ओके, so the next is 8 minus 1. So now when any number is subtracted by 1, the previous number to this or the number that comes before this number will be the answer. So which number comes before 8? Number 7 comes before 8. Iske baad hai 9 minus 1. So 9 se pehle kaun sa number aata hai? 9 se pehle aata hai 8. So 8 will be the answer. So coming to the next question, there is 35 minus 15. So as we know, we should always start solving the ones place number. तो 5 में से हमको कितने निकालना है? 5 में से 5 को निकालना है. तो हमने 5 fingers को निकाल दिया. तो कितने बचे? Nothing means 0 will come here. Then 3 में से 1 निकालना है. From 3 means from the bigger number we should always remove the smaller number. Okay, तो bigger number है 3, bigger number से हमने smaller number 1 को निकाल दिया. तो कितने बचे? 2. Okay, then let us come to the borrowing. So in borrowing, the first question is 55 minus 17. तो ones place में है 5 and 7. तो अभी यहाँ देखो, यहाँ पे ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है. तो हम कैसे निकाले? वी कैन नॉट रिमूव ना. छोटे नंबर से बड़े नंबर को कभी निकाल सकते हैं नहीं. तो हमको क्या करना है? इसको स्ट्रांग बनाना है. और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए वी हैव टू बोरो सम नंबर्स फ्रॉम द टेंथ प्लेस. सो कैसे करेंगे हम? चलो मैं अभी आपको ब्लॉक पिक्चर्स में दिखाती हूँ. सो दिस 55 एंड हेयर इज 17, मीन्स दिस इज 5 टेंथ, this is 5 ones and this is 110 and this 7 ones is this one. Okay, so kyunki ye 5 ones chota number hai, isko bada banane ke liye we have to take this one block from this position to this position, means we have to borrow this from here to here. So jaise humne isko borrow kar liya to ye vanish ho gaya aur yahan ye wale jo blocks hai wo aa gaya this side. So yahan aa gaya, dekho. तो यहाँ पे ये 10 ब्लॉक्स आ गए 1. तो अभी इधर कितना हुआ टोटल? पहले के 5 ब्लॉक्स थे, उसके बाद 10 आए, तो 5 प्लस 10 इज 15. सो टोटल हेयर इज 15. सो दैट्स वाई वी कट दिस नंबर एंड राइट हेयर 15. ओके, एंड क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक था 110 का, ये गायब हो गया. अभी हमारे पास कितने बचे? How many blocks remaining here? 1, 2, 3, 4. 4 tens are remaining. So, this 5 ko bhi we will cut it and write here 4 here. Okay, we will write 4 here. Then, now start doing the subtraction here. So, from 15 we have to remove how much? 7. So, let us remove 7 blocks like this. I am removing it, see. So, how many blocks remaining in this ones place? So, there are 5 pinks and 3 yellow blocks, no? So total is 8. So total is 8. So 15 में से हमने 7 निकाल दिया, तो बचे ये 8. तो अभी यहाँ पे भी देखो, अगर हमारे प्लस ये ब्लॉक पिक्चर नहीं रहा तो कैसे सॉल्व करना है? 15 में से 8 कैसे निकाले? हमारे पास तो 15 फिंगर्स भी नहीं है. तो हमको क्या करना है? हमको ये 7 के बाद से 15 तक काउंट करना है. मीन 7 के बाद से मतलब फ्रॉम 8. तो आफ्टर 7 इज 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. सो हमने 7 के बाद से 15 तक काउंट किया, तो कितने फिंगर्स आए? हमारे पास आए 8 फिंगर्स. सो सी हेयर ऑल्सो इट्स 8.
सो ऐसे करना है हमको ये वाला. और यहाँ पे क्या है, फोर से हमको वन को निकालना है, तो फ्रॉम फोर वी आर रिमूविंग वन, तो हाउ मेनी लेफ्ट, थ्री लेफ्ट, सो आंसर विल बी 38. तो चलो हम दूसरा और एक सम करते हैं ऐसा वाला. इन दिस बोरोइंग वी शुड स्टार्ट डूइंग दिस. सो फ्रॉम 93 वी हैव टू रिमूव 35. सो ये वाला थ्री कट करके हमको कितना लिखना है, 3 + 10 इज 13. ओके, और 13 में से 5 को हमको निकालना है. कैसे निकालें, 5 के बाद से हमको काउंट करना है अप टू हाउ मच, अप टू 13. सो स्टार्ट काउंटिंग, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. सो यहाँ पे भी 8 आया, सो 8 वी हैव टू राइट हियर. तो क्योंकि हमने यहाँ से एक 110 यहाँ दे दिया, बोरो करके यहाँ दे दिया, तो ये भी कट होके 1 छोटा हो जाएगा ना, तो 9 कट करके हमको 8 लिखना है. तो अभी फ्रॉम 8 रिमूव 3, फ्रॉम 8 यू आर रिमूविंग 3, सो हाउ मच लेफ्ट, 5. सो आंसर इज 58. तो बच्चों अभी ये वाला आप खुद सॉल्व करो, एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.